अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। आपका मित्र, आपका सखा और आपका हम सफर शैलेश लोढ़ा, जो रोज ये कहने के लिए आता हूं कि भाई जिंदगी में खुश रहिए, खुश रहना बड़ा जरूरी है। अगर खुश नहीं रहेंगे तो फिर जिंदगी जिंदगी नहीं है। निजात पा लीजिए, छुट्टी पा लीजिए गमों से, दुखों से, भेज दीजिए उन्हें एक लंबी वेकेशन पे। लंबी वेकेशन पे मैं कहता हूं निकाल ही दीजिए, जिंदगी में दुख आने ही नहीं चाहिए, ऐसी परमानेंट छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी से मुझे याद आया, छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है जिंदगी में, और अगर आप कहीं काम करते हैं तो बहुत मुश्किल से मिलती है। जैसे एक बेचारे टीचर थे, मतलब बेचारे इसलिए कह रहा हूं, टीचर बेचारे नहीं होते, वो भविष्य बनाते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, लेकिन मजबूर थे थोड़े से। पत्नी बीमार थी, बेड रेस्ट बोल दिया, और इतने में उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, जाना पड़ेगा भाई, तबादला हो गया, अब कैसे जाएं, छुट्टी चाहिए, या तो फिर छुट्टी मिल जाए, नहीं तो तबादला रद्द हो जाए, कुछ तो हो, वरना बीवी का ख्याल कौन रखेगा, अकेला आदमी हूं, परेशान हूं। और बात बिल्कुल जेन्युइन थी, लेकिन जो साहब किस्म के लोग होते हैं ना, ये बड़ा साहब वाले मुद्रा में ही रहते हैं। तो टीचर थे, उनके जो बड़े अधिकारी थे वो उसी मोहल्ले में रहते थे, तो उनको लगा कि मैं चला जाऊं और इनसे कह दूं कि मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आप कैंसिल कर दीजिए ताकि मैं बीबी का ख्याल रख सकूं। तो गए और बरामदे में टहल रहे थे, बड़े साहब, हाँ भैया कैसे आना हुआ, साहब तो साहब होते हैं ना, कैसे आना हुआ। बोले सर मैं वहाँ टीचर हूँ और मेरी वाइफ है जो बहुत बीमार हो गई, और बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, मेरा ट्रांसफर हो गया है, तो ये मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी, आप मेरा ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर देंगे तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और मेरी पत्नी का ध्यान मैं रख पाऊंगा। तो अच्छा, साहब की त्योरियां एकदम चढ़ गई, तुम डायरेक्ट मेरे पास कैसे चले आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आगे कहने की ट्रांसफर रद्द करा दीजिए। हैं, तुम टीचर हो, पहले अपने हेडमास्टर के पास जाओ, प्रधानाचार्य के पास जाओ, उसे एप्लीकेशन लिखवाओ, वो एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे, वो एप्लीकेशन लेके फिर वो मेरे पास आगे भेजी जाएगी, वो जब भेजी जाएगी तब मैं तय करूंगा करना है कि नहीं करना। यू शुड कम थ्रू प्रॉपर चैनल, आपको प्रॉपर चैनल से आना चाहिए। डायरेक्ट कैसे आ गए आप, जाइए यहां से, भगा दिया। वो मजबूर आदमी था, उसने छुट्टी ले ली भाई, कि अब ट्रांसफर कैंसिल ले रहे थे, एक महीने वैसे ही ख्याल रखूंगा। कुछ दिनों बाद की बात है, वो जो साहब थे उनके घर में आग लग गई, आग लग गई, सारा मोहल्ला बचाने में लग गया, आग बुझाने में। टीचर खड़ा रहे अपने बरामदे में, निकले ही नहीं। अब साहब परेशान, दूसरे में मेरे घर में आग लग गई, तुम आए क्यों नहीं, सब कैसे आता, मेरे हेडमास्टर छुट्टी पे थे, उन्हें एप्लीकेशन देता, वो अप्रूव करते तब आपके पास आता, थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए जिंदगी में, तरीका आना चाहिए जिंदगी में, तरीका। और ये लोग हैं, इन्हें तरीका आता है, इन्हें गमों से छुट्टी पाने का तरीका आता है, ये खुद भी गमों से छुट्टी पाते हैं और खुद गम से छुट्टी पाए ना पाए, लेकिन दुनिया भर को गमों से निजात दिला देते हैं, उन्हें छुट्टी पे भेज देते हैं। ऐसे तीन रचनाकार हमारे बीच में बैठे हैं और हम तीनों का स्वागत करते हैं। जो बीच में बैठे हैं ये दाढ़ी है भी और नहीं भी टाइप की दाढ़ी है, मतलब यहाँ है और यहाँ नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्षों से ऐसे ही, पता नहीं ये उगती नहीं है, उगती है तो कटा देते हैं, जो भी है इन्होंने अपना ये ट्रेडमार्क बना रखा है। इनका नाम है सर्वेश अस्थाना, लखनऊ से हमारे बीच में आते हैं और बड़े प्रखर व्यंगकार हैं, पत्रकार हैं और बड़ा काम करते हैं। मैं इनके लिए मोहब्बत में हमेशा कहता हूँ कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है और हर खुशी से हर गम से अस्थाना होता है। ये सर्वेश अस्थाना हमारे बीच में है, तो ये मस्त आदमी है, इधर मस्त आदमी है, इधर मनमौजी आदमी है। इनका नाम है डाल चंद मनमौजी। ये हमारे बीच मध्य प्रदेश ब्यावरा से आए हैं, राजगढ़ ब्यावरा एक जगह है। वाह, डालचंद जी बड़े हमारे पुराने चावल हैं, लेकिन आज यहाँ इस देग में पकेंगे और पक्के जो अपनी हास्य की खुशबू बिखेरेंगे वो कमाल की होगी। और इधर ये जो युवा रचनाकार बैठा है, लगभग 13-14 बरस पहले की बात है जब पहली बार कुमार संभव को टेलीविजन के एक शो में हमने प्रस्तुत किया था और एक बहुत खूबसूरत गीत इन्होंने प्रस्तुत किया था, और उसके बाद कुमार संभव इतने व्यस्त हो गए, सारे देश में पूछा जाने लगा कि भाई संभव कहाँ है, इन्हें बुलाइए। यूं बोलते हैं खरगोन के रहने वाले हैं और इन दिनों उज्जैन मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। हम स्वागत करते हैं संभव का। तो भाई
की शुरुआत भी मनमौजी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले बुलाते हैं डालचन मनमौजी जी को जोरदार तालियों के साथ। मैं आपको एक बात बता दूं साहब, अपन शुरुआत घर से ही करते हैं। मैं एकमात्र ऐसा मर्द हूं जो अपनी घरवाली से बिल्कुल नहीं डरता हूं। लेकिन ये भी सच है, वो भी मुझसे नहीं डरती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो मुझसे प्रेम भी बहुत करती है। हाँ शैलेश भाई, एक दिन उनने मेरे ऊपर फूल फेंक के मार दिया, मेरे चोट लग गई। हाँ पर इतने ही नाजुके फूल की चोट लग जाती है अपने। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से मैंने कहा, मैं डॉक्टर साहब घरवाली ने फूल फेंक कर मार दिया है, मेरे चोट लग गई है, इसमें मलहम पट्टी कर दीजिए। अब डॉक्टर साहब मलहम पट्टी करते जा रहे हैं और मुझसे पूछते जा रहा है, यार मनमोजी जी एक बात बताओ, फूल की इतनी गहरी चोट तो नहीं लगती तो मलहम पट्टी करना पड़े। मैं डॉक्टर साहब ऐसा है, फूल के साथ में गमला भी तो था। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे घर के सामने मैंने एक बगीचा लगा रखा है, मैं उसमें रोज सिंचाई का काम करता हूँ, पेड़ पौधों में पानी डालने का। अब मैं जब यहाँ आने लगा तो मेरी घरवाली ने सोचा, ऐसा नहीं हो यार ये पेड़ पौधों में पानी डालना भूल जाए, तो आप बात मानोगे वो मुझसे सुबह से ही कहने लग गई, ए पेड़ पौधों में पानी डालिया। ए पेड़ पौधों में पानी डालिया, पेड़ पौधों में पानी डालिया। अरे मैंने कि पौधों में पानी डालना है तो डाल दूंगा, लेकिन तू सुबह से ही डालिया 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 करके मेरा नाम क्यों बिगाड़ रही है। वाह, मेरा नाम क्यों बिगाड़ रही है, बहुत अच्छे। अब ये शैलेश भैया कहने लगे, यार दादा सही तो बात है, नाम तो ढंग ढंग का रखते, डालिया डालचन ये कोई नाम है। अरे मैंने कहा भाई साहब मेरा नाम राष्ट्रीय स्तर के गानों में गाया जाता है। कैसे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो डालचन नाम है मेरा। तो डालचन नाम है मेरा, क्या मासूमियत है, वाह। जहाँ हास्य कविताओं का जिसने जम के जादू बिखेरा, वो डालचन नाम है मेरा। वो डालचन नाम है मेरा, जय डालचन, जय डालचन, जय डालचन, जय डालचन। अब ये फिर वापस कहने लगे मेरे से, मैं बताऊं आपको, आपको ये बात मालूम पड़ गई कि मेरा नाम डालचन। डालचन का मतलब होता है चंद्र डाल, और डाल की उत्पत्ति हुई पेड़ से, और किस्मत की बात है कि मेरे बाप का नाम पेड़ चंद। नहीं इसमें हंसने कौन सी बात है, आप में से किसी के बाप का हो तो बताओ। मेरा नाम डालचंद, मेरे बाप का नाम पेड़चंद। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, आपका नाम, मैंने डालचंद, बाप का नाम, मैंने पेड़चंद, कितने बहन भाई हो, मैंने कि 20। अच्छा जब 20 बहन भाई हो तो क्या परिवार नियोजन वाले नहीं आते, मैंने आते हैं ना, कोचिंग क्लास समझ के वापस चले जाते। एक दिन साहब पिताजी हमको खाना खिलाने के लिए एक शादी समारोह में ले गए, वहाँ इतने सारे बच्चों को देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, इतने सारे बच्चों को लेकर आ गए, लज्जा नहीं आई? पिताजी ने कहा, वो मेकअप करके आएगी। एक बार पिताजी हमको चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले गए मेले में, अब वो मेरे चिड़ियाघर वाला लड़का जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आइए आइए बड़े बड़े हाथी घोड़े जानवर देखिए, अजगर देखिए, मगर देखिए, 20 फुट लंबा सांप देखिए। पिताजी ने कहा, मेरे साथ में 20 बच्चे हैं, कुछ कंसेशन मिलेगा? मैंने जनों का 20 बच्चे आपके ही है। पिताजी का जी हाँ, उन्हें तो फिर आप अंदर आ जाइए। और भाई साहब गजब हो गया, हमारे अंदर जाते से ही वो चिड़ियाघर वाला लड़का जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आइए आइए बड़े बड़े हाथी घोड़े जानवर देखिए, अजगर देखिए, मगर देखिए, 20 फुट लंबा सांप देखिए, और साथ में 20 बच्चों वाला बाप देखिए।
बात है, बहुत अच्छे। तो फिर आपने पेड़ पौधे में पानी डाल लिया कि नहीं डाल लिया? भाई नामों का ऐसा ही मजेदार, जो हमारे जो देशज उच्चारण है इसमें नामों का बड़ा मजा आता है, और वो मोहब्बत भी दर्शाते हैं। मतलब आप सीधा सीधा नाम ले लो तो क्या मजा है। एक जमाने में हमारे कवि मित्र बहुत बढ़िया बात सुनाते थे कि भाई वो गए किसी कार्यक्रम में तो वहाँ एक सज्जन मिले, बोले आप तो बड़े कवि हो, साहित्यकार हो, आपके पास तो शब्दों का भंडार है, तो मेरे दो जुड़वा बच्चे हुए इनका नाम रख दो। बोले मैं क्यों रख दूँ? बोले नहीं आप साहित्यकार हो इसलिए रख दो। तो बोले ठीक कुछ भी रख दो, सर्वेश रख दो, संभव रख दो, अच्छे अच्छे नाम है कुछ भी नाम रख दो। बोले नहीं नहीं, और पहले मेरे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं उनके जैसे ही नाम रखो, आपके पास शब्द हैं तो रखो कि पहले 3 के क्या नाम है। बोले एक लीलाधर, धरणीधर, गजधर। मैंने कहा इसका रख दे इधर और उसका उधर, और उसके बाद भी हो तो सुधर। तो डालचंद मनमोहन जी ने कमाल कर दिया। अब हम उस ऐसे व्यंगकार को बुलाते हैं जो अपनी कविताओं में व्यंग की भाषा से आपके हृदय के संवेदना के पटल खोलता है और कुछ ऐसी बात बोलता है जो आपको लगे कि आप सोचते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाए। सर्वेश अस्थाना। बहुत बढ़िया लग रहा है हमको यहाँ के, बहुत मजा आ रहा है हमको, सब जगह मजा आता है यहाँ तो। यहाँ मुझे तो शमशान तक में मजा आता है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में शैलेश भाई बहुत खूबसूरत शमशान है। खूबसूरत शमशान बहुत, इतना इतना मैं 10-15 बार वहाँ गया लोगों को लेके। तो एक दिन वहाँ का मैनेजर हमसे कह रहा, आप 15 बार क्यों आते हैं, आपको जगह चाहिए क्या? तो मैंने कहा हमें नहीं चाहिए, आप ही रखो। तो मैं वहाँ से भागा तो देखा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था शमशान के बारे में, लिखा हुआ था शमशान के बारे में। आपको बताता हूँ वहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ था, शमशान घाट के बोर्ड पर गया हमारा ध्यान। लिखा था डिस्काउंट पर मुर्दे फूंकने का विशेष अभियान। डिस्काउंट पे? डिस्काउंट पर। शमशान घाट के बोर्ड पर गया हमारा ध्यान, लिखा था डिस्काउंट पर मुर्दे फूंकने का विशेष अभियान। हमने वहाँ के क्लर्क से कहा, भैया बंदा तो स्टूडेंट है। हमने वहाँ के क्लर्क से कहा, भैया बंदा तो स्टूडेंट है। वो बोला तुम्हारे लिए छूट 100% है। क्या बात है, वाह वाह। बोला भैया बंदा तो स्टूडेंट है, वो बोला तुम्हारे लिए छूट 100% है, ग्रेजुएशन की डिग्री लाओ और फ्री में फूंके जाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह। ग्रेजुएशन की डिग्री लाओ, फ्री में फूंके जाओ। और बताने लगा कि नेताओं को हम मुफ्त में जलाते हैं। शैलेश जी ध्यान दीजिएगा कि नेताओं को हम मुफ्त में जलाते हैं क्योंकि 90% मुर्दे तो उन्हीं की कृपा से आते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई वाह। सर्वेश बहुत बढ़िया, नेताओं को बहुत अच्छे। नेताओं को मुफ्त में चलाते हैं क्योंकि 90% मुर्दे तो उन्हीं की कृपा से आते हैं। जब किसी धर्म निरपेक्ष नेता के कारण धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है तो अपना धंधा एवरेस्ट चढ़ जाता है। क्या बात है, वाह। और अब किसको किसको कैसे कैसे जलाते हैं वहाँ पर शमशान घाट पे, और बताने लगा, मृत पुलिस वाले की आत्मा को हम पूरी शांति दिलाते हैं, अरे लाश की जेब में भी 100 का नोट रख कर तभी अग्नि लगाते हैं। हाय हाय, लाश की जेब में भी 100 का नोट। बहुत बढ़िया सर्वेश। और बताने लगा कि जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है, तो उसे शमशान रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। ओहो, जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है, शमशान रत्न जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है तो उसे शमशान रत्न का पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि बेचारा खुद तो मर गया लेकिन मर कर भी कम से कम अपने एक बेरोजगार बेटे के हाथ में नौकरी धर गया। क्या बात है, वाह। बेचारा खुद तो मर गया। वाह 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 सर्वेश, बहुत बढ़िया। और बताने लगा, उसने बताया कि यदि रोजगार की तलाश में, शैलेश जी ने मुझे व्यंग्यकार कहा तो मैं व्यंग ही सुना रहा हूँ, यदि नौकरी की तलाश में मरे किसी बेरोजगार की लाश लाएं, तो डेड बॉडी पर बायोडेटा के साथ 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाएं। हाय 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 हाय। तो डेड बॉडी पर बायोडेटा के साथ 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाएं। हम आपको यकीन सहित बताते हैं,
हम आपको यकीन सहित बताते हैं, इस देश में तो नहीं दिला पाते लेकिन ऊपर नौकरी दिलाते हैं। क्या बात है, कि इस देश में तो नहीं दिला पाते लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलते चलते हंसते मुस्कुराते हुए चलिए, मैं दो शेर आपको पढ़ूँ, आपको सुनाऊँ। अभी मैं बैठा था लखनऊ में, तो मेरे एक दोस्त हैं, वो थोड़ा कभी कभी मतलब हाँ ठीक समझ गए सर, थोड़ा ऐसे, तो वो बैठे हुए थे, उन्होंने जो बात कही थी मैं उसको चार पंक्तियों में कहता हूँ, आनंद करिएगा। कि यूँ बहुत कुछ हूँ मगर, यूँ बहुत कुछ हूँ मगर कुछ भी नहीं तेरे बगैर, यूँ बहुत कुछ हूँ मगर कुछ भी नहीं तेरे बगैर, जिस्म ज्यों बिन रूह के कुछ भी नहीं तेरे बगैर। और जो असली पंक्तियाँ वो ये हैं कि मैं कदे को देख कर उस्ताद चहके इस कदर, मैं कदा जहाँ पे पी जाती है, अरे सब जानते होंगे। यूँ बहुत कुछ हूँ मगर कुछ भी नहीं तेरे बगैर, जिस्म ज्यों बिन रूह के कुछ भी नहीं तेरे बगैर, और मैं कदे को देख कर उस्ताद चहके इस कदर, जाम चूमा कह पड़े कुछ भी नहीं तेरे बगैर। सर्वेश जी ने व्यंग निकाला शमशान से। जिंदगी में आप हास्य व्यंग कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं और सर्वेश ने वही किया। तब मुझे अचानक एक शायर का शेर याद आ गया, दोजख कहते हैं नरक को, तो वो कहते हैं हमने किए गुनाह कि हमको दोजख मिली। दोजख नरक को कहते हैं हमने किए गुनाह, कितना ईमानदार शेर है सुनिए, कि हमने किए गुनाह कि हमको दोजख मिली, दोजख का क्या गुनाह कि दोजख को हम मिले। सर्वेश अस्थाना और डालचंद मनमौजी को हमने सुना, और मैंने कहा था कि आज से 13-14 बरस पहले जब वो बिल्कुल ही युवा था और अपने उम्र के दूसरे दशक में शायद रहा होगा, और तब संभव को मैंने पहली बार टेलीविजन पे एक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया था, और उसके बाद संभव जो है सारे देश में छा गए। आज एक बेहद खूबसूरत गीत लेके आ रहे हैं कुमार संभव, जोरदार तालियों के साथ। ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं तो प्रेम का पिटा पिटाया कवि हूं। तो साहब दो शेर सुन लें, कि तेरे भी पास है मेरे भी पास है, ऐसे ज्यादा गंभीरता से मत सुनना मजा आएगा, कि तेरे भी पास है मेरे भी पास है, जिंदगी दर्द का एक उपन्यास है। आए, आए, तेरे आए, आए। भी अब मजा तब आएगा, कि मैंने उससे कहा बाहों में आओ ना, कि मैंने उससे कहा बाहों में आओ ना, उसने ना कह दिया बोली उपवास है। कि उसने ना कह दिया बोली उपवास, बोली उपवास, हमने भी सोच लिया सत्यानाश। तो साहब संभव भाई साहब, सबकी प्रेमिकाएं, सबकी प्रेमिकाएं जो होती हैं वो गोरी होती हैं, और मेरी प्रेमिका जो है वो सांवली है। अच्छा, तो आप तो एक गीत पहुंचाना चाहता हूँ, सुनिएगा। अच्छा, सबकी प्रेमिका गोरी होती है, क्या तथ्य हुआ समझ में नहीं आया भाई साहब। मेरे को तो जिस तरह की मिली है उसको देखने के बाद सबकी गोरी लगती है। बहुत बढ़िया संभव, तो क्या स्थिति है, आप एक प्रेम का अच्छा सा गीत आप तक पहुंचाता हूं। कि सुनो ओ सांवली लड़की तुम्हारा दिल हमारा है, सुनो ओ सांवली लड़की तुम्हारा दिल हमारा है, तुम्हारे होंठ के नीचे, तुम्हारे होंठ के नीचे वो काला दिल हमारा है, सुनो सांवली लड़की तुम्हारा दिल हमारा है, तुम्हारे होंठ के नीचे, तुम्हारे होंठ के नीचे वो काला दिल हमारा है, सुनो सांवली लड़की तुम्हारा।
जुल्फों में अधर में जानु जुल्फों में बख्श में काम साहूं मैं अधर में जानु जुल्फों में बख्श में काम साहूं मैं अगर तुम राधिका सी हो अगर तुम राधिका सी हो तुम्हारे श्याम साहूं मैं सुनो सांवली लड़की तुम्हारा दिल हमारा है। ओ भाई साहब मेरे लिए मेरी प्रेमिका क्या है आप तक पहुंच जाता हूं। कि खजुराहो के मंदिर तुम कि खजुराहो के मंदिर तुम तुम्हें मैं पूजना चाहूं कि खजुराहो के मंदिर तुम तुम्हें मैं पूजना चाहूं। बड़ी उलझी पहेली हो बड़ी उलझी पहेली हो तुम्हें मैं पूजना चाहूं। सुनो रावली लड़की सुनो रावली लड़की तुम्हारा दिल हमारा है तुम्हारे होठ के नीचे तुम्हारे होठ के नीचे वो काला दिल हमारा है। सुनो सांवली लड़की सुनो सांवली क्या बात है हाय देखो संभव तुम्हारे लिए मोहब्बत बात है। मैं देखा संभव जब तुम पढ़ रहे थे तो इस गीत में जितने आनंदित युवक हो रहे थे नवयुवतियां उनसे ज्यादा हो रही थी जबकि ये गीत एक युवक की ओर से युवती को है। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि उन्हें ऐसा आनंद क्यों प्राप्त हो रहा था। क्या नाम है आपका? जिया। जिया या जिया मैंने देखा आप बड़ा एंजॉय कर रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था पर ये गीत ऐसा था जो एक पुरुष नारी को कह रहा है एक प्रेमी प्रेमी को कह रहा है आपको क्यों ज्यादा अच्छा लग रहा था ऐसा? सर मौसम बड़ा सुहाना है तो सिर्फ मौसम की वजह से ही आनंद था? सर कॉलेज में पढ़ते इतना ही बोल सकते हैं अब। हाँ हेमलता सर क्योंकि वो लड़कियों की तारीफ कर रहे थे उनकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे तो लड़कियां झूम रही थी। जो कहा तुमने वो तो ठीक था लेकिन जिस ढंग से कहा वो ज्यादा ठीक था है ना वो तारीफ कर रहे थे लड़कियां झूम रही थी ये जो था ना ये बड़ा कमाल का था। थैंक यू सर। एनीवेज मुझे लगता है इसके पीछे ये मनोविज्ञान रहा होगा शायद जो मैं समझता हूं वो ये कि हर लड़की इस गीत में कहीं ढूंढ रही थी कि कोई तो ऐसा हो जो मेरे लिए भी ये गीत गाए और यही प्रेम है यही अगाध प्रेम है और यही समर्पण भी है जीवन में कोई तो ऐसा हो जो ये कहे कि सुनो सांवली लड़की तुम्हारा दिल हमारा है ये कहने वाले नहीं मिलते। तुमने बहुत अच्छे ढंग से संभव इसे कहा इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूं। और हम बढ़ते हैं आगे हमारे उस सेगमेंट की ओर जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे विनोद मेहरा साहब और रेखा जी दोनों बातें कर रहे हैं। हाँ तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ भाई मेरे मन में आ रहा एक कि दुनिया की नजरों से नजरें बचा के अच्छा बड़े ही अदब से दो पलकें उठा के कि दुनिया की नजरों से नजरें बचा के बड़े ही अदब से दो पलकें उठा के चांद से भी सुंदर चांद देखने को कि चांद से भी सुंदर चांद देखने को तुम्हें देखता हूँ मैं नजरें चुरा के। क्या बात है ये प्रेमी लोग नजरें चुरा के क्यों देखते हैं पता नहीं क्यों
क्यों नजरें चुरानी, देख लीजिए लेकिन मोहब्बत से देखिए, थोड़ी तहजीब से देखिए, थोड़ा तमीज से देखिए। ऐसे मत देखिए कि जिसे देख रहे हैं उसे लगे कि ये क्यों देख रहा है, ऐसे देखिए कि जिसे देख रहे हैं उसे ये लगे कि काश ये देखता रहे। और हम यही चाहते हैं कि आप देखते रहें